जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पहलगांव बस हादसा में एटा के रहने वाले अमित कुमार सहित भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी जवानों से भरी बस पहलगांव से 6 किलोमीटर पहले गहरी खाई में गिर जाने से 7 जवान की मौत हो गई थी। बस में एटा के सिपाही अमित कुमार समेत 39 जवान भी सवार थे। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मंगलवार को हुए बस हादसे में एटा के रहने वाले आईटीबीपी के जवान अमित कुमार भी शहीद हो गए। उनके परिवार को आईटीबीपी मुख्यालय से फोन कर हादसे की सूचना दी गई। अमित कुमार की पत्नी प्रीति गर्भवती है। परिजनों ने देर शाम तक उन्हें हादसे की जानकारी नहीं दी। अवागढ़ ब्लॉक क्षेत्र के गाँव बड़ा भोंडेला निवासी अमित कुमार 2007 में आईटीबीपी के कांस्टेबल पद पर भर्ती हुए थे। गांव में उनके पड़ोसी जितेंद्र ने बताया कि अमित की पहली पत्नी की प्रसव के दौरान मौत हो गई थी। 2020 में उनकी दूसरी शादी प्रीति से हुई, वह अभी गर्भवती हैं। 4 भाइयों में सबसे छोटे थे अमित। शहीद के पिता करते हैं खेतीबाड़ी। 3 भाई दिल्ली में रहकर मजदूरी करते हैं। पिता कुंवर पाल खेती से गुजारा करते हैं। पिता और माँ रामवती काफी वृद्ध हैं। अमित करीब 1.5 महीने पहले छुट्टी पर गांव आए थे। 12 दिन रुकने के बाद फिर वह ड्यूटी पर चले गए। मंगलवार दोपहर को फोन पर बताया गया कि जिस बस में वह जा रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में अमित जख्मी हुए, हालांकि यह नहीं बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई, जिसके चलते परिवार और गांव में इस तरह का कोई सामान्य जानकारी नहीं थी। देर शाम तक गाँव में सामान्य माहौल था। बाद में परिवार को अमित की मौत की जानकारी मिली। बता दें, अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी से लौट रहे भारत तिब्बत सीमा पुलिस जवानों से भरी बस पहलगांव से 6 किलोमीटर पहले गहरी खाई में गिर जाने से 7 जवानों की मौत हो गई। बस में 39 जवान सवार थे। शहीद जवानों में एटा के अमित कुमार भी थे। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से शहीद अमित कुमार को सत सत नमन करता हूँ, और मैं नमन करता हूँ उन माओं का जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शहीद के परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।